तो दोस्तों आईपीएल 2024 की तैयारी में जहां सभी टीमें लग चुकी, जहां आईपीएल 2024 का मिनी ऑप्शन हमें 19 दिसंबर को दुबई के कोको कोला में होने वाला है, वही इस ऑप्शन से ठीक पहले आईपीएल का ट्रेड विंडो खुला है। इस ट्रेड विंडो से लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट के बीच एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी आईपीएल के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। आईपीएल 2024 के ट्रेड विंडो के दौरान राजस्थान के देवेंद्र पाटीकर ट्रेड होकर अब लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेलते हुए जाएंगे। जहां देवेंद्र पाटीकर ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल की तरफ से 11 मुकाबले खेले थे, 11 मुकाबले में 261 रन बनाए थे, जहां उनका एवरेज हमें 26 का देखने को मिला। जहां राजस्थान रॉयल की तरफ से देवेंद्र पाटीकर स्टाइग्राम में 130 का देखने को मिला, जहां देवेंद्र पाटीकर को आईपीएल 2023 में 7,75,00,000 मिलता था। अब राजस्थान के देवेंद्र पाटीकर में लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आईपीएल 2024 का सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र पाटीकर जगह पर लखनऊ सुपर जायंट के आवेश खान को ट्रेड कर राजस्थान रॉयल ने अपने टीम में शामिल कर लिया। जहां आवेश खान ने आईपीएल 2023 में टोटल 9 मुकाबले खेले थे, 9 मुकाबले में 9 विकेट लिए थे, जहां का इकोनॉमी 10 का देखने को मिला। जहां आवेश खान का बेस्ट हमें 25 रन देके 3 विकेट था। जहां राजस्थान रॉयल की तरफ से हमें आवेश खान आईपीएल 2024 के सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। वही आप आईपीएल ऑप्शन और ट्रेड से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। वही आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट का ये सही फैसला है क्या नहीं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।